स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1, 3 क्वेश्चंस, ओके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर की समरी की थी, मैंने पूरी स्टोरी आपको समझाई थी, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। नाउ फर्स्ट वर्ड इज काउंसिल। काउंसिल का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, ठीक है। अब देखो, राजा को ऐसे मेंबर्स या ऐसी काउंसिल या ऐसे काउंसलर्स की ज़रूरत होती है जो कि एक राजा को सही सलाह देते हैं, जैसे कि मंत्री होते हैं, ठीक है। तो राजा अपना कोई भी काम करता है मंत्रियों की सलाह से करता है, ठीक है। तो ये काउंसिल जो है ऐसे ही मेंबर्स का ग्रुप है जो कि किस लिए चूज़ किया जाता है, वो इसलिए चूज़ किया जाता है कि वो राजा को सलाह दे सकें, ठीक है, सही सलाह दें। और जो कानून होते हैं, ठीक है, एक साम्राज्य में जो भी कानून बनेंगे वो भी सही बन सकें, ठीक है। इसलिए काउंसिल होती है, ये मेंबर्स का ग्रुप होता है, ठीक है। सेकंड वन इज़ काउंसलर्स। काउंसलर्स का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। काउंसलर मीन्स कि यहाँ पे उन मेंबर्स के बारे में बोला जा रहा है जो कि क्या देते हैं, राजा को एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो ये वही मेंबर्स हैं, तो ये काउंसिल के मेंबर्स है। काउंसलर को बोला जाता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। थर्ड वन इज हर्मिट। हमने स्टोरी में भी पढ़ा था हर्मिट के बारे में। हर्मिट कौन होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन, ऐसा पर्सन जो कि अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और एक सिंपल लाइफ, एक साधारण जीवन जीता है, ठीक है। फोर्थ वन इज वुड वुड्स। वुड वुड्स का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लकड़ी से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये दूसरे मीनिंग में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ए स्मॉल फॉरेस्ट मीन्स एक छोटा सा जंगल, और वो जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था? एक जंगल में, छोटे से जंगल में कुटिया बना के एक सिंपल लाइफ जीता था, बहुत ही मतलब बिल्कुल सारी दुनिया से अलग होके बिल्कुल अकेला रहता था फॉरेस्ट में वो, ठीक है। अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स मैटर्स बिजनेस, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई बिजनेस के बारे में, कोई भी किसी भी तरह का मैटर है उसके बारे में अगर बात होती है तो वो अफेयर्स होता है, ठीक है। बैड्स। बैड्स मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। अब देखो, आपने स्टोरी में पढ़ा था कि जो हर्मिट था वो डिगिंग कर रहा था ग्राउंड में, ठीक है। वो किस लिए कर रहा था? कि उसमें छोटे छोटे ग्राउंड में गड्ढे बन सके, पैचेस बन सके, जिससे कि वो वहाँ पे पौधे उगा सके, ठीक है, प्लांटिंग कर सके वो, ठीक है। उनको कहते हैं बैड्स। यस। सेवेंथ वर्ड इज फेंटेड। फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। लॉस्ट कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जब कोई आदमी बेहोश हो जाए, उसे अपना होश ही ना हो कि वो कहाँ है, ठीक है। तो ऐसी हालत में आदमी क्या हो जाता है? बेहोशी की हालत में चला जाता है। और यहाँ पे इस स्टोरी में कौन बेहोश हो गया था? जो स्ट्रेंजर था, जो मदद मांगने के लिए आया था हर्मिट और किंग के पास, ठीक है, जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बियर्डेड मैन के नाम से, ठीक है। बियर्डेड मैन जो कि राजा का दुश्मन था, वो बेहोश होके गिर गया था क्योंकि वो घायल हो गया था इस वजह से, ठीक है। इसके बाद एट पॉइंट है रीड्रेस्ड। रीड्रेस्ड का मतलब होता है ड्रेस्ड अगेन, मतलब ड्रेसिंग करना बार बार। और आपने पढ़ा था कि स्टोरी के अंदर क्या हो रहा था, कि बार बार ड्रेसिंग कर रहा था जो राजा था उसकी, अपनी एनिमी की, या जिसको हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंजर था उसकी ड्रेसिंग कर रहा था बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए वर्ड आया हमारा रीड्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट इज साइज्ड। साइज्ड मीन्स टुक बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती से या फोर्स लगा के कुछ करना या किसी को लेके जाना। और यहाँ पे इस स्टोरी में किसको लेके गए थे? पूरी फोर्स के साथ उठा के राजा जो था उस स्ट्रेंजर को अंदर हट में लेके गया था, हर्मिट के हट में, और उसको वहाँ लिटाया था, ठीक है, और उसको वहाँ पानी पिलाया था, उसको रेस्ट कराया था। तो यहाँ पे वर्ड है साइज। साइज्ड का मतलब है टुक बाय फोर्स, ओके। नाउ टेंथ पॉइंट इज फेथफुल। फेथफुल मीन्स लॉयल एंड ट्रू, जो कि लॉयल होता है, ट्रू होता है, जो इंसान सच्चा हो, ईमानदार हो, ठीक है, वो होता है फेथफुल, ओके। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन क्वेश्चन,
ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आप इसको अच्छे से लर्न कर सको और आपको ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं, ठीक है, लिखने भी हैं फेयर नोटबुक में और लर्न भी करने हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू थ्री क्वेश्चंस. जो राजा था वो अपने तीन क्वेश्चंस का आंसर क्यों जानना चाहता था, ये बताना है आपको यहाँ पे. ठीक है, तो आंसर क्या है, द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर्स टू थ्री क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू आंसर्स ऑफ दिस थ्री क्वेश्चंस. वो क्या सोचता था कि अगर उसको अपने इन तीन सवालों का जवाब मिल जाएगा तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता. ठीक है, वो एक सक्सेसफुल राजा बन जाएगा. ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, सक्सेसफुल राजा बन जाएगा. ठीक है, और जहाँ किंगडम में वो अपना एक बहुत बड़ा रूलर है. ठीक है, तो वो एक सक्सेसफुल एक कामयाब रूलर बन जाएगा. ठीक है, तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का कि राजा क्यों जानना चाहता था अपने तीनों क्वेश्चंस का आंसर, जिससे कि वो लाइफ में कभी फेल ना हो और उसको कामयाबी मिले. ठीक है, एक सक्सेसफुल रूलर बन जाए. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. मैसेंजर्स जो कि मैसेज पहुंचाने वाले होते हैं, जो कि दूत कह सकते हो, या जो राजा के जो सेवक होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, अगर कोई भी खबर राजा देता है तो वो पूरे मतलब जनता के बीच में जाके उसको बताना. ठीक है, उस मैसेज को वहाँ तक कन्वे करना, वो मैसेंजर्स का काम होता है. तो क्या किंगडम में, साम्राज्य में क्या मैसेज पहुँचाया गया, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. मतलब ये अनाउंसमेंट की गई कि उन लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा जो कि राजा के क्वेश्चंस का आंसर देगा. ठीक है, जो भी राजा के क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा. तो ये मैसेज पहुंचाया गया. ठीक है, यस, वर्किंग विद द टेक्स्ट. अभी इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन किए वो कम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस थे. ठीक है, अब यहाँ पे पेज नंबर 14 पे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस. अब यहाँ पे किंग को एडवाइस क्यों दी गई थी कि वो मैजिशियन के पास जाए. देखो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने आके राजा को सलाह दी. ठीक है, हमने स्टोरी में पढ़ा था, लेकिन राजा को किसी की भी सलाह या किसी का भी आंसर पसंद नहीं आया था. तो अब देखो कौन कौन वहाँ पे आया था, किस किस ने क्या क्या आंसर दिए, या राजा को किस किस के पास जाने के लिए सलाह दी गई, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके इसमें. ठीक है, व्हाई वाज द किंग एडवाइस टू गो टू मैजिशियंस. किंग ने एडवाइस क्यों करी, किंग को एडवाइस क्यों दी गई कि वो मैजिशियंस के पास जाए अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए. इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट वन मस्ट हैव टू लुक इन टू द फ्यूचर सिंस ओनली मैजिशियन कुड डू दैट द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस. अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था उसका, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में उसको क्या सलाह दी गई कि सबसे सही टाइम क्या होना चाहिए किसी भी काम को करने का. मान लो कोई अर्जेंट कुछ भी आ जाता है काम, ठीक है, तो सही समय क्या होना चाहिए राजा के लिए कि वो ऐसा कौन सा सही समय होता है कि जब वो अपना वो काम करे. ठीक है, तो उसके लिए उसको फ्यूचर का पता होना चाहिए. कोई भी वो अर्जेंट काम करने जा रहा है, अगर उसको फ्यूचर के बारे में पता होगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसे ये काम किस टाइम पर करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा लोग कह रहे थे. Since only magician could do that, और लोगों ने या क्या काउंसलर्स ने या किसी ने भी राजा को क्या सलाह दी कि वो फ्यूचर में जानने के लिए कि उसको फ्यूचर अपना पता चले कि उसको कौन से टाइम पे क्या क्या काम करना है. ठीक है, सही टाइम क्या होना चाहिए किसी भी काम को करने का, तो उसके लिए सिर्फ एक मैजिशियन ही ऐसे होते हैं जो कि उसको फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, तो मैजिशियन के पास जाने के लिए किस लिए सलाह दी, जिससे कि जो मैजिशियन है वो फ्यूचर के बारे में बता सके कि सही टाइम क्या होगा किसी भी काम को करने का. ठीक है, द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस, इसी वजह से किंग को एडवाइस दी गई कि वो मैजिशियन के पास जाए.
ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग. तो लोगों ने क्या एडवाइस दी कि किंग के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. अदर्स सेड द प्रीस्ट्स. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स एंड येट अदर्स सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. अब देखो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे आंसर मिले राजा को. और वो क्या क्या आंसर मिले? कुछ लोगों ने तो ये बोला राजा के लिए उसके काउंसलर्स जरूरी होते हैं, मीन्स जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो राजा को सही सलाह देते हैं. क्योंकि राजा जो होता है अपना कोई भी काम करता है तो मंत्रियों की सलाह से करता है, ठीक है, तो इसलिए काउंसलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. कुछ लोगों ने ये कहा उसके सेकंड क्वेश्चन के आंसर में. अदर सेड, और कुछ ने क्या कहा कि प्रेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो पुजारी होता है वही बता सकता है कि उसको उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा है, ठीक है. और कुछ ने क्या कहा कि डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स सही हो सकता है, ठीक है. एंड येट अदर्स, और कुछ ने तो ये भी कहा कि सोल्जर्स, जो उसके सिपाही हैं क्योंकि वो युद्ध में उसकी मदद करते हैं, ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाह दी, लेकिन जो राजा था वो किसी के भी क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ठीक है, जो कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा था. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट सजेशंस वर मेड आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. कौन कौन सी सजेशंस दी गई, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या सजेशन दी गई. यस, साइंस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या कहा गया कि जो साइंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अदर सजेस्टेड फाइटिंग एंड सम सैड रिलीजियस वर्शिप, ठीक है. कुछ ने ये सजेशन दी कि लड़ाई जो है, फाइटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है. और कुछ ने कहा जो रिलीजियस वर्शिप है, मतलब जो पूजा पाठ है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड. क्या जो बुद्धिमान आदमी थे उनको रिवॉर्ड मिला? इफ़ नॉट, वाई नॉट. जितने भी लोगों ने अब तक राजा को सलाह दी, क्या उनको किसी तरह का कोई रिवॉर्ड मिला है? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या रीज़न था इसके पीछे? नो, द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड. जो वाइस मैन था, बुद्धिमान लोग थे, उनको रिवॉर्ड नहीं मिला. द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चंस ही आस्क्ड. जो किंग था उसको बिल्कुल अलग अलग आंसर्स मिले अपने सारे क्वेश्चंस के बदले. द किंग गॉट डिफरेंट आंसर्स फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चंस. किंग को अलग अलग आंसर्स मिले हैं अपने तीनों क्वेश्चंस के जो भी उसने पूछे थे. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम. और वो सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ किसी के भी आंसर से, ठीक है. तो यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे बुद्धिमान लोग आए थे, जिन्होंने भी आके सलाह दी, या राजा को जिसके पास भी जाने की सलाह दी गई कि वो मैजिशियन के पास जाए, ठीक है, या फिर वो अपने काउंसलर्स की सलाह ले, या फिर वो साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, या रिलीजियस वर्शिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, मतलब इस तरह से अलग अलग आंसर राजा को मिले. लेकिन राजा जो था वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, उसको अपना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, ठीक है. नाउ पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन. कि राजा ने और हर्मिट ने, ठीक है, जो जब राजा जो था, राजा को अब ये सलाह दी किसी ने कि वो हर्मिट के पास जाए. हर्मिट कौन था? जो कि अकेला रहता था, ठीक है, एक कुटिया बना के एक छोटे से जंगल में. एक तरह से हम कह सकते हैं हर्मिट एक साधु था, ठीक है. और उस टाइम जो हर्मिट था स्टोरी में क्या कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था,
और जो राजा जो था वो हर्मिट से जाके क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन हर्मिट कोई भी जवाब नहीं देता उसके क्वेश्चंस का। तो राजा क्या करता है, हर्मिट के काम में ही उसकी हेल्प करता है। वो डिगिंग कर रहा था ग्राउंड में, तो वो भी उसके साथ जाके वही काम करने लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी तरफ एक स्ट्रेंजर आता है भागता हुआ जब वो काम में लगे हुए थे। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि राजा ने और हर्मिट ने उस स्ट्रेंजर की हेल्प कैसे की थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घायल था, बाउंडेड मैन था, घायल अवस्था में था, तो कैसे उसने उसकी हेल्प करी थी ये बता। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर। किंग और जो हर्मिट था उसने हेल्प करी थी बाउंडेड मैन की, उसको क्या दिया था, शेल्टर दिया था। ही वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विद हिज हैंडकरचीफ, और उसने उसके घाव को अच्छे से उसको वॉश किया, ठीक है, अपने हैंडकरचीफ से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन ब्लीडिंग जो थी वो फिर भी स्टॉप नहीं हो पाई। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड, किंग ने उसकी दोबारा से ड्रेसिंग करी, दोबारा से उसके घाव पे पट्टी बांधी, ठीक है, अंटिल इट स्टॉप, जब तक कि अंटिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग, जब तक कि वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, बंद नहीं होगी, तब तक वो उसकी रीड्रेसिंग करता रहा। दे टुक हिम टू हट फॉर टेकिंग रेस्ट, और उसके बाद उसको हट में लेके गए जिससे कि वो वहाँ पे रेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से किंग ने और हर्मिट ने वांडर्ड मैन की हेल्प करी। कैसे करी कि उसको शेल्टर प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके घाव को वॉश किया, ठीक है, उसको अपने हैंडकरचीफ से जो भी उस टाइम पे उसके पास अवेलेबल था, ठीक है, अपने कपड़े से या अपने रुमाल से, अपने हैंडकरचीफ से उस वाउंड को कवर किया, उसकी पट्टी करी, ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग जो थी फिर भी स्टॉप नहीं हो पाई। तो राजा ने उसकी बार बार ड्रेसिंग करी जब तक कि ब्लीडिंग रुक ना जाए, ठीक है, और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करने के बाद उसको हट में ले जाके लिटा दिया जिससे कि वो वहाँ पर रेस्ट कर सके। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन कौन था। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। ठीक है, तो अब देखो जो स्ट्रेंजर था जो कि आया था राजा और हर्मिट के पास घायल अवस्था में, वही बियर्डेड मैन था। और बियर्डेड का क्या मतलब होता है, बियर्डेड मैन का ऐसा पर्सन जिसकी कि दाढ़ी मूछ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग हू स्वोर टू रिवेंज हिम फॉर साइजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ। ठीक है, यहाँ पे बियर्डेड मैन कौन था, देखो स्टोरी में भी बताया गया था कि जो बियर्डेड मैन था वो राजा का दुश्मन था, ठीक है, जिसने कि ये कसम खाई थी, ठीक है, ये कसम खाई थी कि वो राजा से अपना बदला लेगा। और उस किस बात का बदला लेगा, एक तो राजा ने उसकी बहुत टाइम पहले उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी, साइजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी मीन्स उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी, और उसके भाई को भी मार दिया था। तो वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए राजा को मारने के लिए आया था। तो यहाँ पे बियर्डेड मैन एनिमी था किंग का, जिसने कि कसम खाई थी कि वो राजा को मार देगा, क्योंकि राजा ने क्या किया था, उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी सारी और उसके भाई को भी मार दिया था। ठीक है, इस तरह से ये बियर्डेड मैन का पूरा कैरेक्टर स्केच है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। यहाँ पे जो बियर्डेड मैन था उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी, उसने क्यों बोला कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। अब देखो यहाँ पे राजा ने कितने अच्छे से उसको ट्रीट किया, ठीक है, जब वो घायल अवस्था में आया था वो बियर्डेड मैन, ठीक है, उसकी अपने हैंडकरचीफ से उसके वाउंड की पट्टी करी, ठीक है, उसको जब तक उसका उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई तब तक वो उसकी पट्टी करता रहा, और उसको हट में ले जाके लिटाया खुद, ठीक है, इस तरह से देखो उसने कितनी देखभाल करी है उसकी। तो एक तरह से उस जो दुश्मन भी था वो उसने भी क्या सोचा, देखो मैं तो इसको मारने के लिए आया था और इसने तो मेरी जान बचाई, ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया कि उसने अपनी जो दुश्मनी थी वो भूलना चाहता था और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहता था, ठीक है, तो इसलिए उसने उससे राजा से माफ़ी मांगी।
ठीक है. ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि यहाँ पे राजा ने उसकी लाइफ को बचाया था, उसकी ज़िंदगी को बचाया था. ठीक है. ही केम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग, और वो यहाँ पे क्यों आया था, जिससे कि वो राजा से बदला ले सके. रिवेंज मीन्स बदला. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन्थ क्वेश्चन, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन. राजा ने बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया था, माफ़ी दे दी थी. वट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, और उसने क्या किया था उसकी मतलब उसकी फॉरगिवनेस मीन्स उसको माफ़ी देने के लिए, माफ़ी शो करने के लिए उसने क्या किया. वट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, मतलब राजा ने क्या किया था जिससे कि उसको ये लगे बियर्डेड मैन को कि राजा ने उसको माफ़ कर दिया है. ठीक है. तो उसने ऐसा क्या किया था. द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस, किंग ने अपनी फॉरगिवनेस, अपनी माफ़ी देने के तरीकों को कैसे दिखाया था. बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने बहुत सारे सर्वेंट्स अपने नौकर चाकर भेज के एंड हिज ऑन डॉक्टर, अपने खुद के डॉक्टर भेज के कि वो उसकी मतलब उसकी देखभाल करेंगे. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द वाउंडेड मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि उस घायल आदमी की सारी प्रॉपर्टी, उस बियर्डेड मैन की जो उसने पहले प्रॉपर्टी ली थी, वो भी प्रॉपर्टी वापस कर देगा. देखो यहाँ पे राजा की भी जान बची है साथ में, क्योंकि वो बियर्डेड मैन तो किंग को मारने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, राजा ने तो बियर्डेड मैन की लाइफ को सेव कर लिया, उसको बचा लिया. तो जो बियर्डेड मैन था वो उसके लिए उसकी जान बचाई, तो उसके लिए वो थैंकफुल हो गया और वो अपनी दुश्मनी को भूल गया. उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने माफ़ी भी मांगी. तो बदले में राजा ने क्या किया, उसने राजा ने क्या किया, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी दे दी उसके पास, उसके सारे सर्वेंट भी भेज दिए, डॉक्टर भी भेज दिए उसकी देखभाल के लिए. तो इस तरह से उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चन. अब देखो हर्मिट ने उसके तीन क्वेश्चन का आंसर क्या दिया. राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर एक आंसर आपको सेपरेटली पॉइंट वाइज बताना है. ठीक है. विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, और आपको ये भी बताना है उन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर हर्मिट ने दिए हैं उसमें से कौन सा आंसर आपको सबसे अच्छा लगा एंड वाई, और क्यों अच्छा लगा ये भी बताना है आपको. ठीक है. आंसर इज एन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में हर्मिट ने क्या कहा, द हर्मिट सेड दैट देयर इज ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम. Now, it is the only time when you have power to act. ठीक है. First question का answer दिया hermit ने कि there is only one important time, सिर्फ केवल एक ही important time होता है, और वो कौन सा time होता है, now, अब. ठीक है. It is the only time, ये सिर्फ वही time होता है when you have power to act, कि आपके पास उस time power होती है कोई भी काम करने की. Means जो अभी जो अभी आपका टाइम चल रहा है, मैंने आपको स्टोरी में बताया था अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप मुझे सुन रहे हो. ठीक है. जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ रहे हो, अगर आप वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनते हो तो आपको उसी टाइम वो चीज़ समझ आ जाएगी, और उसको अगर आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में तो आपको सक्सेस भी मिलेगी. ठीक है. तो इस तरह से जो टाइम अभी आपका चल रहा है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. क्योंकि उसी टाइम पे आप अपना अपनी पूरी ताकत अपनी पूरी पावर लगा के कोई भी काम कर सकते हो. ठीक है. एन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या कहा था हर्मिट ने, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द वन विद हुम वी आर एट द प्रेजेंट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में ये कहा था हर्मिट ने कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन आपका वही होता है जो उस टाइम पे आपके साथ है. जैसे मैंने बताया था जब आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, जो कि आपको टीच कर रहा है. ठीक है. चाहे वो टीचर है या आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी है, वही पर्सन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें हर्मिट ने क्या कहा कि जो अभी आपका टाइम चल रहा है और उस टाइम पे आपके साथ जो पर्सन है वही सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे स्टोरी में हमने पढ़ा था कि जो वाउंडेड पर्सन था जब वो किंग और हर्मिट के पास आया, तो राजा के लिए वही टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जिस टाइम पे वो बियर्डेड मैन आया, और बियर्डेड मैन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस टाइम पे उस घायल आदमी को बचाना था, उसकी लाइफ को सेव करना था. तो वो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और वो पर्सन भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस पर्सन की वजह से ही राजा की भी जान बची
ठीक है, क्योंकि वो था तो दुश्मन लेकिन राजा ने उसकी लाइफ को सेव कर लिया। तो उस एनिमी ने देखो उल्टा क्या किया कि उस राजा से माफ़ी भी मांगी, ठीक है, और वो अपनी दुश्मनी भी भूल गया और उससे फ्रेंडशिप भी कर ली, ठीक है, और राजा ने भी उसको क्या कर दिया, उसकी जो भी प्रॉपर्टी ली थी वो भी वापस कर दी, ठीक है, और यहाँ तक कि उसके उसकी देखभाल के लिए अपने खुद के डॉक्टर्स भेजे और ठीक है, और अपना मतलब इस तरह से उसने बहुत चीज़ें उसको प्रोवाइड करी जिससे कि वो ये दिखा सके, ये शो कर सके कि हाँ हम अब हम फ्रेंड बन चुके हैं और मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो टाइम होता है, जो आपका चल रहा है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम पे जो पर्सन है वही सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में द हर्मिट सैड दैट, हर्मिट ने क्या कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए करने के लिए, इज़ टू दैट पर्सन गुड, कि वो जो पर्सन है जो पर्सन उस टाइम पे आपके साथ है उसके साथ जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा करो, ठीक है। यू हैव टू बी गुड फॉर दैट पर्सन, ठीक है, आपको उस पर्सन के लिए अच्छा होना चाहिए, जैसे कि राजा ने किया, ठीक है। राजा ने उस टाइम पे उस पर्सन की उसको जो घायल था उसकी जान बचाई, उसको पूरी मतलब जितना भी वो अपनी तरफ से जितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता था वो दिया, ठीक है। तो इस तरह से उसने अपना एक अच्छे होने का प्रूफ दिया राजा ने, ठीक है, कि मैंने देखो किस तरह से तुम्हें कितने अच्छे से संभाला, तुम्हारी हेल्प करी, तुम्हारी लाइफ को बचाया। तो उस टाइम पर जो भी आप काम करते हो वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। Now I like the answer of the first question. यहाँ पर मुझे first question का answer सबसे अच्छा लगा, क्यों लगा, because time has the supreme power, क्योंकि जो time होता है वही सबसे बड़ी ताकत है, time से बड़ा किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है, time सबसे ज़्यादा important है हर इंसान के लिए। One should live and act according to the present. क्योंकि जो हमारा time अभी चल रहा है, जो present में जो अभी हमारा time चल रहा है उसी में हम जीते हैं और उसी में हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए time ही सबसे ज़्यादा important है, सबसे ज़्यादा supreme power है, ठीक है। तो now our questions will be completed here. Okay. I want to give you some instruction regarding these questions and word meaning. देखो बेटा, अभी मैंने आपको आज वीडियो में वर्ड मीनिंग कराए हैं, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, आपको ये फेयर नोटबुक में भी करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको समरी अच्छे से ये पढ़नी है और नोटबुक में लिखनी भी है। पहले आप समरी लिखोगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग करोगे सारे, देन यू विल डू क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर करोगे, क्वेश्चन भी लिखोगे, आंसर भी लिखोगे, जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं सेम एज इट इज़ आप ऐसे ही करोगे। PDF फाइल जो है वो आप स्कूल की वेबसाइट से ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप PDF फाइल देख सकते हो, उसमें आप अच्छे से आपको यही सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग लर्न भी करनी है, अगर आपको स्टोरी समझ आ जाती है तो आप वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। देखो मेरे हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड मीनिंग समझाने का यही पर्पस था, किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए लर्न करने में, ठीक है। तो आप इसको लर्न कीजिए, ठीक है, नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।